Welcome to Hear Back. Dr. Leena Lathani published a book named Science and Technology for Sustainable Development in an Editorship. Dr. Leena Lathani, FISCA, FASCA, FISCE, and FSL, Professor of Zoology at Government TV College. She has over 42 years of teaching experience. Her 16-foot papers and articles have been published in various international and national चैतन्या, चैतन्या तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। माइक को अपने पास में रखो, माउथ के पास में लाओ माइक को। ओके ओके सर, वेट अ मिनट। सर, एम आई ऑडिबल नाउ? यस, नाउ यू आर ऑडिबल। आप फिर से पढ़ो। ओके 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 सर। She was chief editor for special on social issues and environmental problems in an international journal, and also authored a book on biotechnology. More than 100 research papers, 500 international national seminars and conferences, and more than 50 participants in workshops. फिर तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, फिर तुम्हारी आवाज कम हो गई। माइक कहाँ है तुम्हारा? तो है यहीं पे। हाँ आप बोलो ना, ऐसे बोलो सही आ रही है। अब सही आ रही है, बोलो। Digital Pedology, FDP, on research, article, writing, and online academic publication. Was awarded with Outstanding Performance for 2015 by Action for Sustainable, Officious Development and Awareness Rishikesh, India. International Best Teacher Award for 2016 by International Science Community Association, Indore, India. Lifetime Achievement Award for 2017 by Sri Shivaji Education Society, Amravati Science College, Nagpur, India. Honored by Sindhu Jagrat Samaj, Ujjain, India. Honored by Municipal Corporation of Ujjain, India on Teachers Day on 5 September 2017. And awarded with Professor Ram Kumar Sharma Memorial Award 2020 for outstanding performance and lasting contribution in the field of life science of ASE Rishikesh, India. Thank you, and again I welcome you here, ma'am. धन्यवाद चैतन्या। आज मैं आप लोगों से वैसे ही बात करूंगी जैसे एक माँ अपने बच्चों से बातें करती है। आप लोग सभी मेरे बच्चे हैं, सही मायने में मेरे बच्चे हैं, क्योंकि मेरे खुद के जो बच्चे हैं वो तो बहुत पहले ही एजुकेशन के लिए बाहर चले गए थे। तब से मैं आप ही लोगों के साथ, चाहे वो मेरा कॉलेज हो, चाहे वो मेरा सफर हो कहीं का, या आज आप लोगों के साथ में जो मैं टॉक कर रही हूँ, तो मुझे आप लोग सब मेरे बच्चों के रूप में दिखते हैं। तो मैं आप लोगों को जो बातें बताने जा रही हूँ, मेरे खुद के अनुभव मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि आप लोगों को जिंदगी में किस तरह से सफलता हासिल करनी चाहिए और प्रयास करना चाहिए। मैं मेरे टॉक को शुरू करती हूँ मेरे खुद की खुद का एग्जाम्पल दे करके। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैंने 1973 में, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को सभी को? मैंने 1973 में हाई सेकेंडरी किया। बेटे आप लोग अपना माइक बंद करें, अपना माइक बंद कर दीजिए। उसके बाद में जब मुझे कॉलेज जाना था तो हम लोगों की सिंधी कम्युनिटी में लड़कियों को उस समय पढ़ाया नहीं जाता था, और कॉलेज तो जाना बहुत दूर की बात थी। उस समय मैंने जिद की
और जिद करके मैंने मेरी जिंदगी को बदल दिया। तो अगर अच्छे काम के लिए जिद करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए जिद। सभी कहते हैं जिद करो और दुनिया बदल दो, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जिद करके अपने आप को बदल दो, अपनी जिंदगी को बदल दो, अपने भविष्य को बदल दो, और उसके बाद में फिर ये जो आपका बदला हुआ स्वरूप रहेगा, ये निश्चित ही आपके समाज के लिए और आपकी देश के उत्थान में कहीं ना कहीं ये मदद करेगा। तो मैं शुरुआत करती हूँ मेरी ही बात को लेकर के। तब मैंने जिद की, मैंने 4 दिन तक खाना नहीं खाया और अपने पापा से जिद की कि मुझे कॉलेज जाने दो, मुझे पढ़ना है। तो पापा का ये कहना था कि नहीं, और कॉलेज तो हम भेजेंगे ही नहीं, तुम ऐसा करो आप साइंस को छोड़ दो और आर्ट्स लेकर के और प्राइवेट पढ़ो और प्राइवेट एग्जाम देने चली जाना। लेकिन मैंने जिद की कि नहीं, मुझे साइंस ही लेना है, साइंस लेकर के पढ़ना है और मुझे रोज कॉलेज जाना है। मैंने 4 दिन तक लिटरली कुछ नहीं खाया और अपनी जिद पर अड़ी रही कि नहीं आप मुझे भेजिए, कॉलेज भेजिए और मैं कुछ बनना चाहती हूँ, मैं कुछ बन करके दिखाऊंगी। तो मेरी इस जिद के आगे मेरे पेरेंट्स हार गए। तब उन्होंने मुझे ये कहा कि अभी हमारी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि हम तुमको बुक्स दे सकें, हम तुम्हारी कॉलेज की फीस भर सकें, हम तुमको साइकिल दिला सकें कि तुम कॉलेज जाओ। मैं ये 1973 की बात बता रही हूँ आप लोगों को। तब मैंने अपने पेरेंट्स से कहा कि आप लोग मुझे कुछ भी मत दीजिए, ना मुझे कपड़े दिलवाइए, ना मुझे बुक्स दिलवाइए, ना मेरी फीस भरिए, मैं खुद सब अपनी व्यवस्था कर लूँगी। यानी मुझे अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं खुद कर लूँगी। तब उस समय, उस जमाने में कोई फोटोकॉपी मशीन नहीं होती थी, मैं क्या करती थी, जो बुक स्टॉल की शॉप होती थी वहाँ जाती थी, उस बंदे को बोलती थी कि अंकल मुझे ये जूलॉजी की किताब दे दो, अंकल मुझे ये केमिस्ट्री की किताब दे दो, ये बॉटनी की किताब दे दो। मैं लेकर आती थी घर, मैं रात भर उसमें से नोट्स बनाती थी और दूसरे दिन वो किताब उनको वापस देकर आती थी। इस तरह से मैंने नोट्स बनाए। मेरी शुरू से आदत रही कि मैं नोट्स बना करके और उनको लिखती थी। लिखती क्यों थी कि उस लिखने से याद होता था बहुत अच्छा, और उस लिखने से जो लिखने